पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के माबेन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अदालत उज़्मा में चलने वाले केसेस को मौसर तरीके से लड़ने, पार्लियामेंट के जरिए भरपूर जवाब देने का फैसला किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ओन शिराज़ी से। ओन आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानब से आज रवा हफ्ते मुख्तलिफ जलसों का शेड्यूल दे दिया गया है और इमरान खान का कहना है कि वो फिर एक बार अवाम में जाके अवाम को मोबिलाइज करेंगे। 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से दी गई थी इलेक्शन के हवाले से, अब उस पर तो इलेक्शन मुमकिन नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है वो ज़ेर समात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुझे यकीन है कि उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ ज़रूर मिलेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो लंदन में मुलाकात की है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर चीज़ें सेटल कर ली गई हैं और ये तय कर लिया गया है कि किस पॉइंट तक अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा और उसके साथ साथ पार्लियामेंट को कितनी जो है वो पार्लियामेंट किस अंदाज में आगे बढ़ेगी और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं उनके हवाले से अपने एक मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। तो हुकूमत इस वक्त डटी हुई है और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ना तो जो है वो